हैं रियल एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के मधुपुर खादर में और हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाजवादी पार्टी से शरीफ अली जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम समाज के। दिल्ली में CAA को लेकर हर तरफ हिंसा का माहौल बना हुआ है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। वहीं पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है अफवाह का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे साथ जो मौजूद है शरीफ अली जी, इनसे बात करेंगे CAA को मुद्दे को लेकर। सर, दिल्ली में दंगा हुआ, लगभग 45 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं सबसे पहले दिल्ली वासियों को, सभी को अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथियों जय हिंद, और जो हिंदू भाई हैं मेरे उनको सबको नमस्कार जी। मेरे दोस्तों, मैम आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है कि जितनी भी जानें गई हैं इसका जिम्मेदार कौन है। हकीकत में तो आप भी जानती हो और पूरा मीडिया जानता है जी। पूरी दिल्ली जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ आज की सरकार है, क्योंकि पुलिस जो दिल्ली की है वो सरकार के अंडर में है। सरकार चाहती तो कोई भी कपिल मिश्रा जी या कोई भी ताहिर हुसैन चाहे कोई भी शरीफ प्रधान बिना पुलिस के आगे नहीं बढ़ सकता जी। मैं अपने ऊपर भी यही बात कहूँगा कि जो भी है ये सब पुलिस प्रशासन का काम है और हमारी जो देश की सरकार है उसका काम है, वो जिम्मेवार है इसकी। क्योंकि अगर जब वहाँ पुलिस है और केंद्र की में BJP सरकार है तो हम आम जनता को आने की जरूरत नहीं है जी। NRC के विरोध में लोग बैठे हुए हैं, मैम आपने सवाल किया है ये, तो विरोध करना जनता का अधिकार है जी। वो जनता है कहाँ की, है तो अपनी, है तो हिंदुस्तानी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू भाई हो, हमारे सभी है तो हिंदुस्तानी। और जब कोई हिंदुस्तानी को चोट पहुंचती है या उनको अच्छी नहीं लगती है कोई भी कानून, तो उसका विरोध करना उसका जन्मतः अधिकार है। जब वो अधिकार अपना मांग रहे हैं और वो कहना चाहते हैं हमें यह NRC नहीं चाहिए, तो सरकार को जब उसे एक इंच हटना नहीं है तो उनको जाके समझाने का तो काम करे कम से कम, क्योंकि उनको ये पता है कि वो हिंदुस्तानी है, वो हमारे गांव हमारे हिंदुस्तान के हैं, भाई हैं हमारे, मुस्लिम हो समाज के कोई किसी समाज के हो, सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है। तो क्या सर आप पूरे इस मामले में जो है सरकार की लापरवाही मानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांदनी कुंज रोड रुका हुआ है जी, वहाँ पे सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं, जो मुस्तफाबाद या वहाँ पे उधर जो झगड़े हुए और इतनी जाने गई वहाँ पे, तो हमारे हिंदू भाई आगे आए, हिंदू भाई आगे आगे रास्ता खुलवाने के लिए जी। मैं अपने भाइयों से, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, इतना मुसलमान को नहीं मानता जितना मैं हिंदुओं को मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ जी। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि आप लोग आगे ना आए, क्योंकि आपके तो सरकार है, आपकी तो सरकार आगे आ रही है, सरकार एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आप लोग आगे क्यों आ रहे हो? अगर सरकार चाहे तो दिल्ली पुलिस जो है का सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, 5 मिनट नहीं लगने देगी और एक एक को उखाड़ के फेंक देगी यहां से। तो केंद्र नहीं हटाना चाहती इस धरना प्रदर्शन को, तो आप लोग भाई होते हुए क्यों नहीं समझना चाहते इस बात को, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। तो शरीफ अली जी, ये जो दंगा हो रहा है CAA को लेकर, आखिर क्यों हो रहा है ये CAA का विरोध? मैम ये जो CAA का विरोध हो रहा है ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारत जानता है कि ऐसे जो 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे पूरे भारत की, इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो 5% पे कोई कागजात नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो वो 5% का भी हिसाब लगाओगे तो कम से कम भी पूरे भारत में कम से कम कई करोड़ आदमी ऐसे निकलेंगे, क्योंकि 5-7 करोड़ आदमी निकल जाएंगे ऐसे जिनके पास कागज, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू होंगे तो उनको तो तुम NRC दे दोगे, यहाँ पे नागरिकता दे दोगे, मुसलमान होंगे तुम बाहर का कर दोगे, तो मैं उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है न कि अपने लिए। मेरे पास पूरे कागजात हैं, जो बैठे हुए हमारे भाई धरना पे जब उनके पास पूरे कागजात हैं, ऐसे नहीं कागजात नहीं है,
मगर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो 5% है, जिसके पास कागजात नहीं होंगे करोड़ों लोगों को बाहर निकाला जाएगा। ये इसके लिए वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम दिल्ली में अफवाहों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली में अफवाहों को लेकर सबसे पहले अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अफवाहों में बिल्कुल गौर ना करें जी। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, यहाँ पे हम सब मिलके रहते हैं, हमारा भी काम एक दूसरे से बिना चल नहीं सकता है जी। मैं अफवाहों को लेकर के ही अभी परसों की बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आज यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं जी। और मेरे पास एक कॉलोनी में से फोन आता है कि जी सर ऐसे ऐसी बातें दंगे भड़क गए। मैं कहाँ पे भड़के भैया दंगे, कहीं बताओ तो सही कि सर 18 नंबर गली है सी ब्लॉक में वहां पे पथराव हो रहा है जी। तो मैंने कहा सर ऐसा है मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी मैं आ रहा हूँ। तो आने जलने से पहले मैंने यहाँ पे जो हमारे यहाँ के कालनी कुछ थाने ऐसे जो हैं उनको मैंने फोन किया, मैं सर ऐसा ऐसी बात है, एक फोन आया मेरे पास और वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लगाया कि कुछ लोग बैठा है, ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और वहाँ पे इस्तेगत दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं? बोले कि मैं तो जलेबी चौक पे हूँ और आप कहाँ हैं? मैं यहाँ पे हूँ, क्या नाम है, अपनी ऑफिस पे हूँ। कि ठीक है तो मैं आ रहा हूँ, मगर वो यहाँ नहीं आए और वो उधर ही चले। कुदरती वहाँ से दो पुलिस वाले, तीन पुलिस वाले मेरे घर पे पहुँचते हैं जी। और घर पे जाके मेरी बीवी से बदतमीजी करते हैं वो कि तुम दंगा भड़काने का काम करते हो, तो कॉल कर रहे हो और ऐसे हुआ वैसे हुआ, और वो जाकर मेरे बेटे को उठा के वहाँ जबरदस्ती लेके आना चाहते थे। तो कॉलोनी के लोग थे, कॉलोनी के लोगों ने मेरे बेटे को रोका, भाई इसको क्यों पकड़ के ले जा रही है, उसका क्या कसूर है? तो उन लोगों ने उनको रोका। फिर जब मैं यहाँ से गया तो मेरे पास जब ये मेरे कॉलोनी के जामिया प्रोफेसर है मोइन साहब, वो ऑटो में जा रहे थे बेचारे, मुझको देख के वो भी रुके यहाँ पे, बोले प्रधान जी कैसे खड़े, ऐसे सुना है मैंने दंग, हाँ भैया सुना मैंने, मैं भी कॉलोनी में जा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे जलेबी चौक पे पहुंचा मैं, तो जलेबी चौक पे से ही मुझे पुलिस वालों, उधर से जो घर से लौट के आ रहे थे उन पुलिस वालों ने मेरी बीट के थे, वो तीन नंबर बीट पड़ती है, वो तीन जने थे, उन्होंने मुझे अपने मोटरसाइकिल बैठा के आपको ऐसे साहब बुला रहे हैं और उन्होंने मुझे थाने में 7:15 बजे से लेकर के और 11 बजे तक वहां बिठा रखा मुझे जी। मैं कई बार पुलिस वालों से पूछा, भाई मुझे क्यों बिठा रखा है यहाँ पे आपने जी। कि आप जो भी कॉल आ रहे हो सही है, कहते हैं अफवाह है अफवाह है अफवाह है जी। भाई जब कॉल कोई आएगा, मेरा स्विच ऑफ था, मैंने वहीं से चार्ज लिया, मैं बैटरी चार्ज करी और जो लोग आए मैंने भी यही कहा कि भाई अफवाह है, कोई गौर ना करे इस पर, कोई झगड़ा नहीं है कोई जी। तो मैं आज इस बात के लिए कहना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने गुनाह कर दिया एसएचओ को फोन करके? जब कोई भी कभी भी कोई अफवाह आएगी या कहीं से कोई बात आएगी तो क्या मैं मथुरा में फोन करता कि भाई आओ यहाँ पे झगड़ा हो रहा है? सरीप जी जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको जलेबी चौक पे दो पुलिस वाले आए और बैठा, तीन पुलिस वाले आए और आपको उठा के लेके बैग पे बैठा के कि एसएचओ साहब ने बुलाया है जी। और वहाँ पे आपको 3 घंटे तक बैठा के रखा, क्या आपने उनसे ये पूछा आपको क्यों 3 घंटे तक बैठा के रखा है? अगर पूछा था तो उनका क्या कहना था पुलिस वालों का? मैंने एक बार नहीं, कई बार वहाँ उन लोगों से पूछा, भाई मैं एसओ साहब को फोन कर लूँ, मुझे क्यों बिठा रखा है यहाँ पे? कि नहीं नहीं एसओ साहब आ रहे होंगे यहाँ पे, आपको फोन करने, आप सब सुनो इधर से फोन मत करो आप जी। और आप बैठे रहिए यहाँ पे। मैं दो दफे बाथरूम में गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे चले गए बिना इजाजत के? जैसे उन्होंने व्यवहार किया जैसे मैं आतंकवादी हूँ, वहां पे थाने के अंदर में ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि नहीं बिना इजाजत के वहां पे जाओ। क्या गुनाह किया था मैंने? मैं पूछना चाहता हूँ एसओ साहब से कि आपने मुझे किस बात पर बिठा रहा था आपने? अगर हमदर्दी थी मुझसे या मुझे ये लग रहा था आपसे हमदर्दी, तो मेरे घर पे जाते, मेरे घर पे जाके पूछते, मेरे घर पे मेरी सिक्योरिटी देते, मुझे सिक्योरिटी देने के लिए कोई भेजते, सिक्योरिटी देने का तो कोई नाम नहीं आया, बल्कि मुझे और वहां पे गिनना पड़ गया, कोई आतंकवादी हूँ इस तरह से मुझे वहां बिठा लिया आपने, ऐसा क्यों हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू और मैं इस पर आगे भी कार्रवाई करूंगा। मैं अभी आगे लेटर भी दूंगा इस पर, मैं आगे भी कार्रवाई करूंगा कि ये ऐसा, मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैं मुसलमान था और अपने कॉलोनी के मेरे भाई जो जुम्मेवार साथ हैं हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं, सबको बुरा लगा ये। और वहां से फिर 11 बजे मोइन भाई का फोन आता है, प्रधान जी कहाँ हो? मेरे साहब मैं थाने, तुम क्या कर रहे हो थाने में? मेरे साहब इन्होंने बिठा रखा है। तो वहां से 30-40 आदमी आए मेरे पास और आने के बाद जब उन्होंने एसएचओ से बात करी, एसएचओ थाने में थे ही नहीं जी। तो उन्होंने दूसरे बीट ऑफिसर है उनसे बात करी, जब साहब से मेरी बात करवाई, उन्होंने बात करी कि साहब इन्हें छोड़ दे, जब मुझे छोड़ा गया वहां से रात को 11 बजे।
तो मैं ये इस बात के अर्चा कर रहा हूँ, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, कि आज कोई भी घटना नहीं घटी दिल्ली के अंदर में, सब सुकून शांति पूर्वक, अफवाह थी, अफवाह ही निकली। अगर भाई देव अफवाह नल करके कहीं झगड़े हो जाते, कहीं फसाद झगड़े फसाद हो जाता और कहीं कोई आग जलन हो जाती, तो ये ऐसे तो मुझे जेल में डाल देता जी। ये तो कहता भाई मैंने तो पहले पकड़ रखा है, इसने मुझे कॉल किया था पहले, इसने अफवाह फैलाई थी। क्या हमारा 100 नंबर कॉल करना, जितने भी लोग कॉल किए, जब मैं वहां बैठा हुआ था तो कोई कह रहा है वहां गोली चल रही है, कोई कह रहा है वहां आग लग गई है, कोई कह रहा है वहां पे झगड़ा चल रहा है। 100 नंबर की बात की है तो क्या आपने 100 नंबर पे कॉल करी थी? नहीं, मैंने 100 नंबर कॉल नहीं करी, मैंने डायरेक्ट एसओ साहब को फोन किया था। मगर जब मैं वहां पे 3 घंटा बैठा थाने में, तो 170-180 कॉल आ चुकी थी वहां पे, और 180 कॉलों में जब वो वहां पे राइटिंग में दूसरे रजिस्टर में लिख रहे थे, वो मैं देख रहा था, तो कोई वहां पे लिख रहा है कि जी कहीं वहां गोली चल रही है, कोई कहीं चल रही है, कोई कुछ कर रहा है, 100 नंबर कॉलों में लोग डर के मारे बोल रहे थे, हेल्प के लिए बोल रहे थे। ये 100 नंबर कॉल होती काहे के लिए मैम? जनता की सेफ्टी के लिए सर। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो 100 नंबर पे कॉल करते लोग, उनको अनसुना किया जा रहा था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 100 नंबर जो कॉल होती है, ये पुलिस प्रशासन को इसलिए दी जाती है कि जनता की सेवा के लिए, जनता के अगर कोई दुख सुख में दिक्कत आती है तो वहां फोन किया जाए। जी बिल्कुल। जब एक अफवाह उड़ी हुई है पूरे दिल्ली के अंदर, खाली ओखला ही में नहीं थी, पूरी दिल्ली के अंदर थी, और मैंने तो कोई 100 नंबर कॉल भी नहीं करी, मैंने तो एसओ साहब को डायरेक्टली कॉल किया, तो उसकी डायरेक्ट कॉल करने की इतनी बड़ी सजा कि मुझे अगर 3 घंटा तक वहां बैठा लगे जिम्मेवार आदमी, और इसका क्या असर जा रहा है कॉलोनी के अंदर में, कि वो 40 आदमी मुझे फिर आए थाने तक आए जब मुझे छोड़ा गया वहां पर। तो अगर कोई आगजननी हो जाती क्षेत्र में, अनहोनी हो जाती, तो ये तो मेरे प्रधान ने ये अफवाह फैलाई है। तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्लीज आप पे बड़ा, हमारे पूरे भारत की जो जनता है सबको प्रशासन पर बहुत भरोसा है, और सब लोग मिलजुल के रहने वाले हैं। आप ऐसा कोई काम ना करें कि एक जाति का मुसलमान नाम आ गया, यानी मेरा नाम शरीफ आ गया, मैं मुसलमान हूं, तो मुझे आप 3 घंटा तक बिठा रखे, इतनी हमदर्दी मेरे लिए? अगर मेरे लिए इतनी हमदर्दी तो किसी और के लिए क्यों नहीं थी हमदर्दी है? आपने मुझे 3 घंटा तक, तो ऐसा काम ना करें। मैं पुलिस प्रशासन से भी, और बीट वालों ने जो मेरे घर में बदतमीजी करी है, मेरे फैमिली से जाके बदतमीजी करी है, मेरी गली में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मेरा मकान ऊंचे पे बना हुआ, एक मकान मेरा नीचे पे बना हुआ, तो नीचे वाले मकान होते सब ऊपर वाले जो झगड़ा होता है तो नीचे वाले मकान में जल्दी दिक्कत में आती है, तो गली के मेरे हिंदू मुस्लिम सब मेरी छत पर चढ़ गए थे, मेरे खाली मुसलमान ही नहीं चढ़े थे, हिंदू भाई भी मेरी छत के ऊपर चढ़ गए थे, अपनी जान सबको प्यारी लगती है मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, तो आप इसे क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है, कि क्यों हमें इस तरीके के जलील किया जा रहा है कि एक मुसलमान का नाम आते तुम 3 घंटा तक मुझे थाने बिठा रहे हो? उसे मैं प्रशासन को यह बताना चाहता हूँ। अभी आपने ये बोला कि मुसलमान की बात आती है, तो क्या लगता है कि पुलिस वालों ने अगर तुम्हें बैठाया वहाँ पे थाने में, तो क्या आपके मुस्लिम होने पे बैठाया है? मैं आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैंने एसओ को फोन कर दिया, तो क्या गुनाह कर दिया? मैं तो नहीं चाहता ना झगड़ा हो, मैं तो नहीं चाहता अफवाह उड़े। मैंने अपना भाई अपने बड़े समझ करके मैंने फोन कर दिया, तो ये तो गुनाह हुआ मेरे पे कि मुझे 3 घंटा तो वहां बैठा है भाई, जो मैं 3 घंटा तो थाने में बैठा हुआ हूँ, और क्षेत्र में कहीं पर भी पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पर भी आगजनी हो जाती है, मैं बार बार यही बात कहना चाह रहा हूँ, अनहोनी हो जाती, तो उसको जुम्मेवार पुलिस तो मेरे ऊपर लाद देती ना। मैंने तो भैयाचार्य से फोन किया, मैंने तो अपना अपन फोन किया, उन्होंने मुझे क्यों बिठा रखा 3 घंटा तक, यानी 7:15 बजे से लेके 11 बजे जाके मुझे छोड़ा है वहां से, जो भी जब कलौटी से लोग आए, जब तक इन्होंने मुझे जाने तक नहीं दिया वहां से। तो इस बात की मुझे शंका है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम नाते मुझे कहीं फंसाना दे। मैं आपको बुलाने का, आपको ये बताने का, बीड़िया के आज बीड़ी ऊपर चढ़ा देती है, बीड़ी नीचे उतार देती है, तो मैं अपनी ईमानदारी अपनी सच्चाई इनको बताना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को, और आपके अपने भैयाचार्य को मैं बनाए रखना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर रहना चाहते हैं यहाँ पे क्षेत्र में, मदरपुर खादर है, मदरपुर खादर के गुर्जर समाज और क्या नाम है चौहान समाज, हमारे हमें किसी चाचा कहता हूँ, किसी ताऊ कहता हूँ, किसी से भी मैं गैर तमीज नहीं बोलता, मेरा उनके घर जैसे संबंध है, हम लोग उनको इतना प्यार करते हैं, वो उन्हीं की बदौलत है आज हमें यहाँ तक मुकाम पे पहुंचा, उसके जरिया से हम लोग एक दूसरे भैयाचारा बढ़ा के रह रहे हैं हम लोग। मगर इस तरीके से मुझे बिठाना, और इस तरीके अब कॉलोनी में क्षेत्र में जो अफवाह, पहले आपको भी कहाँ से पता चल गया? मैंने तो फोन नहीं किया मैम आपको, आप आइए, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आपको कहाँ से पता चली?
एक जुम्मेवार आदमी को 3 घंटा तक बिठाना और फिर इस तरीका की अफवाह आना, तो इसकी एक बड़ी शर्मनाक बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ पुलिस को। शरीफ अली जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम रियल एक्सप्रेस को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बात को सुना और मैं समझता हूँ कि आप भी एक बार पुलिस प्रशासन से ये बात पूछेंगे कि भाई आपने क्या गलती करी शरीफ प्रधान ने आपको फोन करके, तो आपने मुझे 3 घंटा तक बिठा रखा। और मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से भी कि भाई मुझे क्यों बिठा रखा। तो मैं खुद आज मैंने बीट ऑफिसर थे लक्ष्मी, उनको फोन किया, उनको मैं पहचानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, बीट में मेरे में कौन मेरा घर जानता है, कोई बाहर का पुलिस वाला तो मेरे घर को नहीं जानता ना। बीट वाले मेरे घर पे पहुंचे, घर में धमका के आइए, तो मैं ऐसे बीट वाले को वहां से हटवाने की कोशिश करूंगा कि मेरे घर पे जाकर मेरे से कोई गिलास छुपवाए तो मुझे बतावें, अगर मेरे से कोई उनको शिकायत हो तो मुझे बतावें। मैं हमेशा पुलिस प्रशासन के साथ रहता हूँ, पुल कर मिलजुल के रहता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, मैं इस बात से दुखी हूँ। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।